भिक्षाम दे। प्रणाम सही। मैं यूं गई और यूं आई। तेरी लापरवाही के कारण इसकी जान चली जाती। ये तो अच्छा था कि साई आ गए समय पर, वरना क्या होता? लेकिन आई, मैं तो हमेशा उसका ध्यान रखती हूँ। अच्छा, मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ? एक तो लापरवाही करती है, ऊपर से अपनी आई से जबान लड़ाती है, हाँ? रुकिए। ये क्या कर रही हैं आप? बच्चों पर हाथ नहीं उठाते हैं। इसे काम ही ऐसा किया है। साईं, आपने तो देखा ना अभी क्या होने वाला था। और कई दिनों से देख रही हूं मैं इसके लक्षण। किसी काम में इसका ध्यान नहीं है, पता नहीं कहां खोई रहती है ये। एक काम तो तुझसे ठीक से होता नहीं, आज मारतन को संभालने की जिम्मेदारी थी, वो भी काम तुझसे नहीं हुआ ठीक से। साईं, आज आप समय पर आ गए, नहीं तो मेरा मारतन भी इसकी लापरवाही की वजह से मेरे मलाहे की तरह। शांत हो जाइए, शांत। गौरी ने कोई गलती नहीं की है। वो मारतंड को बिस्तर पर ठीक से लिटाकर गई थी और उसे अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा कुछ घट सकता है। फिर ये तो ऐसी गलती है जो किसी से भी हो सकती है, आपसे भी। आई, आज हम दोस्तों के बीच में नाव बनाने की प्रतियोगिता हुई थी और मैंने सबसे ज्यादा नाव बना के प्रतियोगिता जीत ली। देखिए, सुंदर नाव बनाई है ना मैंने। नाव है? अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। बहुत अच्छे। पता है, और मैंने 32 नाव बनाई है। तो दादा, नाव है, गोविंदा ने बनाई है, सुंदर है ना? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, एक गड्ढे गायब है। आई, हम लोग ने वहां पे इतना मजा किया, इतना मजा किया। गोविंदा, दादा, और पैसे कहाँ हैं? पैसे? पैसे? हाँ। कैसे पैसे? मैंने तो कोई पैसे नहीं लिए मामा जी। बता, ये पैसे तुम्हें कहाँ से मिले? ये तो मुझे उद्धव ने दिए थे। उद्धव? कौन उद्धव? वो अध्यापक जी का बेटा। झूठ मत बोल गोविंदा, उस दो कौड़ी के अध्यापक के पास ये पैसे कहाँ से आएंगे? तिजोरी में एक गड्ढी कम है, तुमने ही चुराया है उसे। क्या मामा जी, आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं हो रहा? मैं सच कह रहा हूँ, मुझे उद्धव ने दिए थे
और उद्धव को उसके सहदेव मामा ने। सहदेव पिता का जी गजानन आपटे। गजानन आपटे इसका अर्थ ये है कि तुम शिरडी के नहीं हो। जी सरकार, मैं अपने जीजा जी के यहाँ आया हूँ। उद्धव का मामा सहदेव है तो इसका अर्थ ये है कि माधव सहदेव का हरिओम, इसका केवल एक ही अर्थ है, सहदेव ने जानबूझकर मुझसे अपने बहनोई की पहचान छुपाई। अर्थात ये सोच समझकर चली हुई चाल थी। हरिओम। अंता पंता, अभी के अभी सहदेव और माधव को यहां पे लेके आओ। जी सर। जी सरकार। आप जैसी समझदार माँ को यह शोभा नहीं देता। आप तो बच्चों से प्रेम करने वाली, उनकी देखभाल करने वाली माँ हैं। फिर आपने गौरी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? मारतंड गौरी का भाई है, वो भी अपने भाई से उतना ही प्रेम करती है जितना आप अपने बेटे से। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप गौरी से भी उतना ही प्रेम करती हैं जितना अपनी बाकी संतानों से। फिर आज आपको क्या हो गया था? गौरी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया आपने? साई, आपसे तो कुछ भी छिपा नहीं है। आपके आशीर्वाद से मुझे मेरा मल्हारी मारतंड के रूप में वापस मिल गया, लेकिन तब से मेरी नींद, मेरा चैन छिन गया है। रात को बार बार उठकर मैं ये देखती हूँ कि मारतंड की सांसें तो चल रही है ना, कहीं उसके साथ भी वही तो नहीं हुआ जो मेरे मल्हारी के साथ हुआ था। दिन में ये सोचकर मेरे हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं कि अगर मेरी लापरवाही के कारण मारतन को कुछ हो गया तो क्या होगा। मल्हारी के साथ जो भी हुआ उसकी दोषी मैं हूँ। मैं एक लापरवाह, गैर जिम्मेदार माँ हूँ, और इसीलिए मैं गौरी से मारतन को संभालने की अपेक्षा रखती हूँ। ये सोचती हूँ कि हम माँ बेटे मिलकर अगर उसका ख्याल रखेंगे, उसे संभालेंगे, तो उसके साथ कभी भी कुछ भी बुरा नहीं होगा। और इसीलिए आज जब गौरी को मारतंड के प्रति लापरवाह होते देखा तो मैं अपना आपा खो बैठी। सरकार, हमें इस तरह यहां जबरदस्ती बुलाने का क्या मतलब? क्या दोष है हमारा सरकार? दोष? तुमने मुझसे छुपाया कि माधव तेरा जीजा है, मुझसे झूठ बोलकर नौकरी ले ली, काम शुरू करते ही चोरी भी शुरू कर दी, और मुझसे पूछता है तू दोष क्या है? सदीव, तुमने यहां से भी गुप्त चुराया है? क्या कहा तुमने, यहां भी चोरी? इसका अर्थ यह है कि ये अनुभवी चोर है। तब तो स्पष्ट है कि तुमने ही इसे मेरे पास बेचा नौकरी के बहाने, ताकि तुम बरसों पुराना प्रतिशोध ले सको मुझसे। क्योंकि मैंने तुम्हारे अपराध के लिए तुम्हें घर और नौकरी दोनों से निकाल दिया था। नहीं सरकार, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ये यहां नौकरी करता है। सरकार, मैंने चोरी नहीं की, मैंने कुछ नहीं चुराया सरकार। झूठ बोल रहा है तो उन्हें मेरे तिजोरी से 1,000 रुपए चुराए हैं। हजार रुपए? नहीं सरकार, आप ये क्या कह रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं चुराया। मेरे पास प्रमाण है, समझा? तेरी चोरी पकड़ी गई है सदैव। ये क्या है,
किसने चुराया है इसे? सहदेव, ये रंगीन कागज? रंगीन कागज नहीं है ये मुद्रा है, मुद्रा, सिक्के का नया रूप समझे। शहर से लेके आया था मैं इसे, जिन्हें तुमने चुराया है सहदेव। सहदेव, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारी बीमारी ठीक हो गई, तो फिर ये सब क्या है? जीजा जी, फर्श पर रंगीन कागज गिरे हुए थे, उत्सुकता हुई मुझे उठाने की, लेकिन मैं जानता था कि ऐसी कुछ भी चीज जो मेरी नहीं है उसे उठाना गलत है, इसीलिए उन्हें उठाकर वापस कहीं रखना चाहा। पर वहां अचानक मुनीम जी ने मुझे पुकारा, मैं डर गया और डर के मारे जल्दी जल्दी से मैंने अपने जेब में डाल दिया। जीजा जी, मेरा यकीन मानिए, मैं उन्हें वापस रखने ही वाला था कि ठीक, जो हुआ सो हुआ, पर अभी के अभी सरकार के पूरे पैसे वापस करो और बात खत्म करो। हाँ जीजा जी, लगता है मैं घर भूल गया, मैं अभी लेके आता हूँ। कहाँ जा रहा है? घर? घर कुछ नहीं है, तुम्हारे गवार भांजे ने उन पैसों को गांव के बच्चों में बांट दिया और बच्चों ने नाव बनाकर तालाब में उन्हें डुबो दिया। सरकार, सहदेव से अनजाने में गलती हुई, इसने कहा ना कि अगर इसे पता होता कि वो रंगीन कागज पैसे हैं तो उन्हें कभी नहीं उठाता, ये सच कह रहा है, आप मेरा यकीन करिए। चोर का गवाह देखो, देख माधव, सहदेव ने पैसे चुराए हैं ये तो स्पष्ट हो गया, ये तुम्हारा मेहमान है, तुम्हारे घर में रहता है, तुम्हारे अपने ने मेरे पैसे चुराए हैं, इसलिए वो 1000 रुपए तुम्हें लौटाने होंगे। हजार रुपए? सरकार, मैं इतने पैसे कहां से लेकर आऊंगा? वो तुम्हारी समस्या है, मैं कुछ नहीं जानता। तुम्हें मेरे पैसे लौटाने हैं तो लौटाने हैं, और जो मेरे पैसे नहीं लौटाते उनके साथ मैं क्या करता हूं ये तो जानता है माधव। मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप बहुत अच्छी मां हैं, बहुत जिम्मेदार मां हैं, लेकिन कभी कभी मां अपने बच्चों की रक्षा की जिम्मेदारी जरूरत से कुछ ज्यादा ही उठा लेती है। अतीत में आपने दुख झेला है, आपको चोट मिली है और उसके निशान अभी भी आपके दिलो दिमाग पर मौजूद हैं, ये मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी डर के तो जिंदगी नहीं जी जा सकती, है ना? और क्या आपको एहसास है कि इसी डर की वजह से आप मातृत्व का सुख भी नहीं ले पा रही हैं? मारतंड के साथ क्या बुरा होने वाला है इसकी चिंता छोड़ दीजिए। आप जानती हैं बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, इसलिए जो भी समय है अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी से बिताइए, मारतंड के साथ सब अच्छा ही होगा, ईश्वर का आशीर्वाद है वो। लेकिन चिंता तो होती है ना साईं, अब मारतंड ही मेरा सब कुछ है, मेरा जीवन उसी से है, और बेटियां तो पराई होती है, गौरी कल को अपने ससुराल चली जाएगी, लेकिन अगर मारतंड को कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी? बच्चों की सुरक्षा को लेकर ज्यादा चिंतित रहने से मुश्किल पैदा हो सकती है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे आप पर निर्भर हो जाएंगे, जीवन की कठिनाइयां उतार चढ़ाव का सामना करने में उन्हें दिक्कत होगी, और मैं इतना तो विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप अपने बेटे के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगी,
एक बात और, जीवन में संतुलन होना बहुत जरूरी है, इसलिए परिवार में सबको बराबर समय दीजिए और अपने लिए भी समय निकालिए, क्योंकि ये भी इतना ही जरूरी है। फिर आप पाएंगी कि आप निश्चिंत होकर जी रही हैं। ये मार्दंड के लिए भी अच्छा होगा। जी साईं, मैं इन बातों का हमेशा ध्यान रखूंगी। राम जी भला करें। पिताजी, यही हमने सारी के सारी नाव पानी में चलाई थी। लगता है सारे के सारे रुपए पानी में डूब गए। बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मामा जी, मैंने बिना पूछे वो रंगीन कागज लिए। मुझे नहीं पता था कि वो पैसे हैं। गलती तुम्हारी नहीं होता, गलती तो मेरी है। मुझे वो पैसे उठाने नहीं चाहिए थे, और अगर उठाए तो उन्हें वापस उसी जगह पर रख देने चाहिए थे। जीजा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी ताई को आप कितना खुश रखते हैं, और एक मैंने आपको बहुत परेशानियां दी है। अब ये समय ये सब सोचने का नहीं है। मैं तो ये सोच रहा हूं, कुलकर्णी सरकार को इतने सारे रुपए मैं दूंगा कहां से? गौरी, बिना कुछ सोचे समझे मैंने तुझ पर हाथ उठाया, इसलिए मुझे माफ कर दो। आप पुलिस को बुलाकर लेके आओ। जी सरकार। सरकार, भगवान के लिए, भगवान के लिए पुलिस मत बुलाई। जो कुछ भी हुआ वो सब गलतफहमी की वजह से हुआ। सहदेव ने इरादतन चोरी नहीं की। मैं मानता हूं उससे गलती हुई, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं आपकी एक एक पाई चुका दूंगा। लेकिन आप पुलिस को मत बुलाई। मेरे पैसों की चोरी? अब तो पुलिस आएगी यहां। पुलिस, यदि पुलिस आ गई तो ये दोनों तो कारावास जाएंगे, लेकिन मुझे मेरे पैसे मिलने से रहे। और यदि पूछताछ हुई तो मुझे भी 1000 रुपए का हिसाब देना होगा। हो सकता है कि बात बड़ी और अंग्रेज सरकार तक पहुंची। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे लिखा बही की जांच पड़ताल हो जाए, और यदि ऐसा हुआ तो मेरा तो भांडा फूट जाएगा। मेरे द्वारा वसूले गए अत्याधिक कर, अत्याधिक ब्याज का दर, कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए। इनकी जगह मैं ही अंदर चला जाऊंगा। नहीं नहीं, हरिओम हरिओम। ठीक है,
3 दिन का समय देता हूं मैं तुम्हें। 3 दिन के अंदर तुम्हें मेरे पैसे लौटाने होंगे और वो भी पूरे के पूरे। यदि निर्धारित अवधि में तुम पैसे नहीं लौटा पाए तो मैं तुम्हारी एक एक वस्तु को नीलाम करवा दूंगा और पुलिस को बुला के तुम्हारे पत्नी के भाई को नहीं तुम्हें उनके हवाले करूंगा, क्योंकि पैसे मेरे तिजोरी से तुम्हारे घर तक गए थे। हरिओम। बेइज्जत? वो कैसे? साई, जब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की तो मुझे अब्बू ने कहा कि मैं उनके साथ इस धंधे पर लग जाऊं। अब्बू बनाते मूर्तियां, अल्लाह के करम से चल रहा हमारा धंधा और अच्छी खासी आमदनी भी आ जाती है साई। और साई, मैंने अब्बू की बात मानी और मैं खुशी खुशी उनके साथ ये काम पर लग गया। साई, फिर मुझे समझ में आया कि अब्बू ने तो मुझे एकदम नीचे दर्जे का काम पकड़ा दिया था। हमें नीचे दर्जे का काम? हाँ, और नहीं तो क्या साई। आप ही बताइए, मैं एक लौती औलाद हूँ अपने अब्बा की, और कल जाके ये सारा धंधा मेरा होगा ना, मैं यहाँ का मालिक रहूंगा। तो आप बताइए कि एक मालिक हाथ में कपड़ा लेकर ये मूर्तियां साफ करेगा तो अच्छा लगेगा क्या साई? और मेरे अब्बू के नीचे जिंदगी भर काम करने वाले व्यक्ति का लड़का मुझसे कहता है कि ये सारी मूर्तियां साफ कर लो, जिसे आए हुए अभी सिर्फ 1 ही साल हुए, और मेरे अब्बू ने उसे मुझसे भी बड़ा ओहदा दे दिया है। तो मतलब मैं क्या जिंदगी भर उसके हुक्म को पूरा करता रहूं? साई, इतना बेइज्जत तो मैं आज तक कभी नहीं हुआ। एक मजदूर के बेटे के नीचे काम करना क्या मुझे शोभा देता है? आप ही बताइए साई, समझाइए ना अब्बा को। साई, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो चाहता हूं कि मुझसे भी ज्यादा कामयाब हो, इसीलिए मैं इसे इस धंधे का छोटे से छोटा काम सिखाना चाहता हूं। अबू, लेकिन मैं वो सब तो देख देख के और सुन सुन के भी सीख जाऊंगा ना। हमीद, जब तक सोना आग में नहीं तपता अपने अस्तित्व को प्राप्त नहीं कर पाता है वो। जब तक हीरे को तराशा ना जाए कोई मोल नहीं उसका। यहां तक कि एक ही जगह पर खड़े रहने वाले ये वृक्ष, इन्हें भी धूप, बारिश, हवा, आंधी, तूफान, सर्दी, गर्मी सबका सामना करना पड़ता है। जो इसे सह जाता है वो मजबूत हो जाता है, तरक्की करता है, वो उसका तजुर्बा बढ़ता है, और जो नहीं सह पाता उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, कुछ नहीं कर पाता वो। तुम्हारे अब्बा ने तुम्हें जो काम सौंपा है वो छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, क्योंकि उसका मकसद बहुत बड़ा है। इसके जरिए ये तुम्हें कई तरीके से तैयार कर रहे हैं, चाहते हैं कि इस काम से जुड़े हर पहलू को ठीक ढंग से समझ लो तुम। लेकिन इस सब की क्या जरूरत है साई? कल को मुझे यहाँ का मालिक बनना ही है, तो नौकर तो रहेगी, वो कर लेंगे ना बाकी का काम। आओ मेरे साथ बैठो। एक कहानी सुनाता हूं तुम्हें। ये कहानी है पत्थर और मूर्ति की। एक बार पत्थर ने मूर्ति से कहा कि हम दोनों एक ही जगह से, एक ही चट्टान से लाए गए। भाग्य से हम लोग एक ही मूर्तिकार के पास भी पहुंच गए, पर तुम्हारा सौभाग्य कि तुम एक मूर्ति बन गई,
जिसे देखकर सब लोग वाह वाह करते हैं, और मुझे मुझे जमीन में लगा दिया जहां दिन भर लोगों के पैर पड़ते हैं। तुम्हारी मुंह मांगी कीमत मिलती है और मेरी कीमत कुछ भी नहीं। जब हम दोनों एक जैसे हैं तो फिर मेरे साथ इतनी नाइंसाफी क्यों? इस पर मूर्ति ने कहा, तुम भूल रही हो, मूर्तिकार ने मूर्ति बनाने के लिए पहले तुम्हें ही चुना था, पर तुम मूर्ति बनाने की चोट को नहीं सह पाए। इस पर पत्थर ने नाराज होकर कहा कि जब कोई इतनी नुकीली चीज से और ऊपर से हथौड़ी से चोट करेगा तो टूटूंगा ही ना। तो मूर्ति ने कहा कि नहीं, सच तो यह है कि तुम हिम्मत हार गए। टूटने लगे तो मूर्तिकार को लगा कि तुमसे मूर्ति नहीं बनाई जा सकती, मूर्ति बनाने के लायक नहीं हो तुम, इसलिए उसने तुम्हें जमीन में लगा दिया। तुम्हारे बाद उसने मुझे चुना। मैंने सारी तकलीफें उठाई, सारे कष्ट सहे और अंत में यह रूप पाया। अब तुम ही बताओ अमीर, तुम जमीन में लगा पत्थर बनना चाहते हो या फिर मूर्ति? बताओ, मालिक को अगर अपने काम के हर पहलू की जानकारी ना हो, कभी भी सफल व्यापारी बन सकता है? सफल कारोबारी बन सकता है वो? नहीं, तुम्हारे अब्बा तुम्हें काम इसलिए सिखाना चाहते हैं क्योंकि इसके कई फायदे हैं। सबसे पहला, अगर काम में कभी कोई दिक्कत आएगी तो तुम समझ पाओगे कि इस दिक्कत की वजह क्या है और इसका हल, इसका समाधान कैसे किया जाए। दूसरा, तुम अपने साथ काम करने वाले हर व्यक्ति के योगदान को समझ पाओगे, उसकी अहमियत को समझोगे। तुम्हें समझ में आएगा कि वो इंसान और उसका काम तुम्हारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, वो व्यक्ति तुम्हारे लिए कितना महत्व रखता है। तीसरा फायदा, तुम्हें यह समझ में आना चाहिए कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, ताकि अगर कभी समय आन पड़े तो तुम काम को पूरी समझदारी से, पूरी कामयाबी से, पूरे गर्व से कर सको। मेरी बात याद रखना अमित, कोई भी इंसान सच्चा मालिक तभी हो सकता है जबकि वो कोई भी काम करने में संकोच ना करे, और ऐसा करके ही वो अपने लिए काम करने वाले लोगों की नजर में असली नायक बन सकता है। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम्हें एक सफल व्यापारी, असली नायक बनना चाहते हो या नहीं। साई, समझ गया साई, मैं सब समझ गया। ओ, जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने
दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओ साई 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 ओ वो आप सही है, मुझे माफ कर दीजिए। साईं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हमीद को जो बात गुस्से और डांट फटकार के नहीं सिखा सका, आपने उसे प्यार से सिखा दिया। आप धन्य हैं साईं, आप धन्य हैं। राम जी भला करें। टूटी मूर्ति खुद से कैसे जुड़ गई?
राम जी भला करे। आप साई है ना? जी कहिए। भगवान का शुक्र है कि आप मिल गए। बैठिए। कहिए क्या बात है साई? पेशे से मैं साहूकार हूं, जेवरों की दुकान है मेरी कोपर गांव में। मैं नंद किशोर और ये मेरा बेटा भानु है और ये मेरी पत्नी। गांव में किसी ने बताया कि आप बीमारी को झट से ठीक कर देते हैं, इसलिए बड़ी आस से आपके पास आया था साई। क्या भानु को आप किसी वैद्य या हकीम के पास ले गए थे? जी साईं, इलाज से थोड़ा ठीक तो हुआ था लेकिन बुखार वापस से लौट आता है। अब तो बुखार के साथ साथ सांस लेने में भी तकलीफ होती है। कृपा करके आप कुछ ऐसा चमत्कार कर दीजिए कि ये तुरंत ठीक हो जाए। मैंने काफी कुछ आपके बारे में सुना है कि आप चमत्कार करते हैं। गहरी सांस लो भानु। ये जल्दी ठीक तो हो जाएगा ना? बेटे की तकलीफ देखी नहीं जाती है ना? सच कहो तो मेरा काम ही ऐसा है, या तो बेटे की तबीयत देखू या फिर अपना कारोबार। बुखार तो चला जाएगा लेकिन कल फिर से भानु को अपने साथ लेकर जरूर आइएगा। कल भी? आपने कहा ना कि बुखार चला जाता है पर फिर लौट आता है, इसलिए भानु को 2-3 दिन मुझे अपनी निगरानी में ही रखना होगा। बार बार आने जाने से बेहतर है कि आप शिरडी में ही कहीं रुक जाइए। अगर मैं 3 दिन तक यहां शिरडी में रहा तो कई हजार रुपयों का घाटा हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता।
ठीक है साई, कल भानु को मैं अपनी पत्नी के साथ भेज देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपके बेटे की तबीयत ठीक हो जाए तो आपका इसके साथ रहना बहुत जरूरी है, इसलिए अगले 3 दिन दवा लेने आपको ही आना होगा। कोई समस्या है? जी साईं, आपसे एक अनुरोध है कि कल सुबह जब मैं अपने बेटे को जांच के लिए आपके पास लेके आऊं तो सबसे पहले आप इसे ही देखें, उसके बाद ही आप किसी और को समय दीजिएगा। खुला घर है द्वारका माई, न मैं किसी को मिलने का समय देता हूं और न ही मेरा कोई तय समय है, जो जैसे आए वो वैसे मदद पाए। ठीक है साईं, मैं कल सुबह सुबह ही अपने बेटे को लेकर आऊंगा। राम जी भला करें। लेकिन इस बार हम अगर वही बहाना बनाएं तो लोगों को शक हो जाएगा, समाज हमारे बारे में क्या सोचेगा, हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, कोई इज्जत नहीं रह जाएगी हमारी। तो हम अब करेंगे क्या? इतनी महंगाई है, इनका खर्चा कौन उठाएगा? मेरे पास एक उपाय है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। क्या? हम बंटवारा कर लेते हैं। अगर इन्हें निकाला तो हम यहाँ चैन से रह नहीं सकेंगे, लोग तरह तरह की बातें करेंगे, और ना हम इन्हें साथ रखना चाहते हैं और ना इनके साथ रहना चाहते हैं, इसलिए हम घर का सारा सामान आधा आधा बांट लेते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं, हम कहीं दूर जाकर घर ले लेंगे। लक्ष्मीकांत, तू तो बहुत समझदार निकला, तो तय रहा, कल हम बंटवारा कर लेंगे। अभी चलकर जायदाद के कागजात बनवा लेते हैं, फिर जमींदार से मिलकर सौदा पक्का कर लेंगे। एक बार ये जायदाद बिक गई फिर हम बेफिक्र होकर यहां से चले जाएंगे। उसके बाद अगर ये यहां से नहीं जाना चाहती है तो ये हमारा सिरदर्द नहीं होगा, जमींदार अपने आप उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देगा। पिछली बार इन्हें नादान समझकर चुप रही, लेकिन इस बार नहीं। मेरे लिए ये केवल घर नहीं है, ये मेरी दुनिया है। माँ जी, आपने अच्छे से सोच लिया है ना? जी साईं, मेरे बेटों को उनकी गलती का एहसास है और पछतावा भी है। साईं, मुझसे बहुत बड़े बोलोगे साईं, मेरी मदद करो साईं। मेरी मदद करो। तात्या, जी साईं, मुझे अभी रात आ जाना होगा। इतनी रात में? मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं तात्या, मैं अकेला जाऊंगा, पर हाँ सुबह होते ही तुम सबको बता देना कि मैं रात आ गया हूं, वरना सब लोग चिंतित होंगे।
ठीक है साई। मुझे नहीं लगता साई सुबह से पहले लौट कर आ पाएंगे। आप सुबह आकर देखिए, हो सकता है साई लौट आए। अब मैं चलता हूं। चीचा जी, अब हम क्या करेंगे? एक साई है जो हमारी मदद कर सकते हैं, और वो भी गांव से बाहर चले गए। हमें साई के पास और पहले ही आ जाना चाहिए था। मैंने सोचा कि साई से मिलने से पहले ही मैं खुद ही कोई हल ढूंढ लेता हूं। हाँ, ये सच है कि साई मददगार हैं, लेकिन साई खुद ही तो कहते हैं ना कि भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। तो मैंने सोचा, क्या मैं खुद इतने पैसों का इंतजाम कर सकता हूँ? क्या मैं साई के पास आने से पहले सरकार के पैसों का इंतजाम कर सकता हूँ? इसलिए मैंने घर के एक एक रुपए को जोड़ा, यहां तक कि भामा के जेवर भी जमा किए मैंने, लेकिन फिर भी मैं हजार के आंकड़े से दूर ही रहा। मैं सहदेव, साई गांव से बाहर गए हैं, गांव छोड़कर नहीं गए। राहता से आने में उनको देर लगेगी, हम सुबह उनसे मिलने आएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब्र ही रखो, चलो हम घर चलते। ये साड़ी तो मैं ही लूंगी। जरी का एक ग्राहक लाई थी मैं, और उसने मुझे ये तोहफे में दी थी, तो इस पे अधिकार तो सिर्फ मेरा है ना। ताई, आप ऐसा क्यों नहीं करते? आप मेरे ये झुमके ले लीजिए, आपको ये बहुत पसंद है ना, और बदले में मुझे आप ये साड़ी दे दीजिए, ये मुझे बहुत पसंद है। पक्का? हाँ, वैसे भी ये सब तो हम सासू बाई को घर से बाहर निकालने के लिए कर रहे हैं ना, और हम तो पहले की तरह मिलते रहेंगे, और कपड़े लत्ते गहने जेवर आपस में बदल के पहनते रहेंगे ना। हाँ, ये तो ठीक है। ये ले लीजिए दादा, ये आपका, ये मेरा। सोचा नहीं था तुम लोग बंटवारा करोगे, एक दूसरे से अलग हो जाओगे, कम से कम अपने बच्चों के बारे में तो सोचा होता, उन्हें क्यों अलग कर रहे हो? आई, ये रोना धोना बंद कीजिए। उन्हें दुख ना हो इसके लिए पहले ही उन्हें उनके ननिहाल भेज दिया है। हमें पता है आप हम लोगों से दूर होके भी खुशी खुशी रहती हैं। अब चलिए, इन जायदादों के कागजातों पर अपना अंगूठा लगा दीजिए, ताकि हम भाई इसे बेचकर पैसे बांट ले। चलिए, जब तक मैं जिंदा हूं इस घर को नहीं बेचने दूंगी। आपको सचमुच ऐसा लगता है आप हमें रोक सकती हैं? हमने इस घर का खरीदार ढूंढ भी लिया है, सारी बातें तय हो चुकी है, बस इस कागजात पर आपका केवल अंगूठा लगाने भर की देर है। फिर ये दस्तावेज उसे सौंप कर उससे पैसे ले लेंगे। मैं अंगूठा नहीं लगाऊंगी, कभी नहीं लगाऊंगी। अरे तुम दोनों देख क्या रही हो, पकड़ो हाथ। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अंगूठा तो हम लगवा के रहेंगे। नहीं, मैं अंगूठा नहीं लगाऊंगी। लगाइए।
लोगों को और कोई काम नहीं है क्या? इतनी सुबह भी यहाँ जमा हो गए? मतलब आज तो बहुत समय लगेगा, और साई भी नहीं है, पता नहीं कब आएंगे। लगता है मेरा आज का दिन भी बर्बाद होगा, व्यापार में नुकसान होने की पूरी संभावना है। जीजा जी, साईं अब तक नहीं लौटे, अब हम क्या करेंगे? और सरकार को 1000 रुपए लौटाने हैं। वही तो मैं भी सोच रहा हूं। क्या कोई और ऐसा इंसान नहीं जो हमें उधार दे सके? है तो बहुत लोग जो मुझे बिना संकोच के उधार दे सकते, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जिन्हें मैं जानता हूं उनमें से किसी के पास भी 1000 रुपए नहीं होंगे। इतनी बड़ी राशि तो कुलकर्णी सरकार जैसे साहूकारों के पास ही हो सकती है। पर अगर हम 2-3-4 लोगों से थोड़ा थोड़ा उधार ले ले तो? जीजा जी, मैं मेहनत करके पाई पाई चुका दूंगा। सुनिए, आप साई से मिलने आए हैं? हाँ, पर वो अभी है नहीं यहाँ पे। वैसे आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम माधव है और मैं यहीं शिरडी में रहता हूँ। अच्छा, तब तो आप साई को करीब से जानते होंगे। हाँ, बस ये समझ लीजिए कि आज मैं जो कुछ भी हूँ साई की वजह से ही हूँ। तब तो आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। कल मैं साई से मिलने आया था और उन्होंने मेरी मदद भी की, लेकिन एक अजीब दुविधा में डाल दिया है उन्होंने मुझे। अगर आप चाहते हैं कि आपके बेटे की तबीयत ठीक हो जाए तो आपका इसके साथ रहना बहुत जरूरी है, इसलिए अगले 3 दिन दवा लेने आपको ही आना होगा। अब आप ही बताइए, मैं आऊं या मेरी पत्नी, क्या फर्क पड़ता है? साई, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी साई, मुझे इन लोगों की बात नहीं सुननी चाहिए थी, मुझे इनके साथ नहीं आना चाहिए था। साई देखिए अपनी आई के साथ क्या कर रहे हैं। ये घर मैंने अपने पति के साथ बहुत मेहनत से बनाया था, एक एक चीज मेहनत से जुटाई थी, और ये लोग। जी फिक्र मत कीजिए, मैं आ गया हूं। जिसे तुमने नहीं बनाया वो तुम्हारा कैसे हो सकता है? और जो तुम्हारा नहीं है उस पर तुम्हारा अधिकार कैसे? जिस चीज पर तुम्हारा अधिकार नहीं उसे तुम बेच कैसे सकते हो, बांट कैसे सकते हो? ये घर इनका है, सिर्फ इनका। आपने आने में देर कर दी, अब इस जगह को बेचने से हमें कोई नहीं रोक सकता। ये वही घर है, ये वही दर है जहां तुम पैदा हुए, जहां खेल कूद कर तुम बड़े हुए, जहां तुम्हारी शादी हुई, तुम्हारे बच्चे हुए। फिर भी इस घर के लिए तुम्हारे मन में कोई लगाव नहीं है? लगाव? ऐसा क्या खास है इस मकान में? चारों तरफ दीवारें और छत ही तो हैं। ये तुम्हें घर नहीं लगता, अभी भी मकान ही है तुम्हारे लिए। देखिए साईं, ये घर है या मकान है इससे आपको क्या लेना देना? ये हमारे परिवार का मामला है, बेहतर होगा कि आप बीच में ना पड़े। आप यहां से चले जाइए, और हाँ, बहुत फिक्र है ना आपको इनकी, इन्हें भी अपने साथ ले जाइए, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। वैसे भी ये शिरडी में बहुत खुश थी, और आप ही है ना जिन्होंने इन्हें काम करने से मना कर दिया था, तो फिर ले जाइए इन्हें,
उठाइए इनकी जिम्मेदारी। और आप यही कह रहे हैं ना, ये घर हम में से किसी का है ही नहीं, केवल इनका है, जैसे यहाँ की ईट ईट पर इनका नाम लिखा हो। आप साई को जानते नहीं इसलिए ऐसा कह रहे हैं। अगर आपको साई ने यहां उपस्थित रहने के लिए कहा है तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह होगी। बेहतर यही होगा कि आप साई की बात माने। मालूम होता है आप साई को बहुत सालों से जानते हैं। हाँ, जानता तो हूं। अच्छे से? अच्छे से जैसे ईश्वर को कोई पूरी तरीके से नहीं जान सकता, वैसे ही साई को पूरी तरीके से जानना संभव नहीं। साई की महिमा कब कौन सा रूप लेगी ये कोई नहीं जानता। हाँ, पर इतना तय कि वही माता है, वही पिता भी है, वही बंधु हैं और वही सखा भी। साई की शरण में आते ही या तो आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी या उसे सहने की शक्ति मिलेगी आपको। अच्छा, चलता हूं। सुनिए माधव जी, आपको कर्जा चाहिए था ना? जी, जब आप लोग बातें कर रहे थे ना तो मैंने आपकी बातें सुनी। मैं दे सकता हूं आपको कर्ज, लेकिन आप मुझे इतने पैसे क्यों देंगे? आप तो मुझे जानते भी नहीं। जान पहचान तो बन ही जाती है अगर लोग एक दूसरे के काम आ सके। क्यों? मैं भला आपके कौन से काम आ सकता हूं जिसकी वजह से आप मुझे 1,000 रुपए देने के लिए तैयार हो गए? देखिए, मुझे लगता है कि साई से आपका बहुत अच्छा रिश्ता है। आप मेरे लिए साई को मनाइए कि जैसे साई वापिस आए तो सबसे पहले मेरे बेटे का इलाज करे, वो भी मेरे बिना। अगर आपने साई को मना लिया तो बतौर कर्ज मैं आपको 1,000 रुपए दे दूंगा, दोनों की समस्या हल हो जाएगी। लेकिन आप तो मुझे जानते भी नहीं, फिर इतनी बड़ी राशि। और मान लीजिए कि अगर मैं वो राशि नहीं लौटा पाया तो? देखिए भाऊ, वैसे भी यहाँ ठहरने से मुझे धंधे से दूर रहना पड़ेगा, मतलब रोजाना 2-3 हजार का चूना। और वहां रहकर मैं 1,000 रुपए खर्च भी करूंगा तो भी मुझे 5-6 हजार का मुनाफा होगा। लेकिन ये समझ लीजिए कि साई को मनाने के बाद ही मैं आपको 1,000 रुपए दूंगा। आप अगर अपने बेटे के लिए मुझसे अनुरोध करते काम के लिए तो मैं शायद मान भी जाता, क्योंकि मेरे बेटे की उम्र भी आपके बेटे जितनी ही है। मगर मुझे लगता है कि आपको अपने बेटे से ज्यादा अपने पैसे प्यारे। आपको लगता है कि आपका पैसा सब कुछ हल कर सकता है? अब मैं ये काम बिल्कुल नहीं कर सकता, माफ कीजिएगा मुझे। जीजा जी ने इतने अच्छे प्रस्ताव को क्यों ठुकरा दिया? क्या बुरा है आखिर इस प्रस्ताव में? अगर जीजा जी हाँ कर देते तो हमारी सारी समस्या खत्म हो जाती। सहदेव जी, चलो।
कैसे संभव है? ये क्या कर रहे हैं साई आप? धोखा कर रहे हैं हमारे साथ? भ्रम, भ्रम पैदा कर रहे हैं? भ्रम नहीं, हकीकत है, सच्चाई है ये। तुम्हारे माता पिता ने बहुत मेहनत से अपने खून पसीने की कमाई से बनाया है ये घर। इसकी एक एक ईंट इन्होंने मिलकर लगाई है। और आज, आज जब आपके पिता इस संसार में नहीं है तो ये घर सिर्फ आपकी मां का है। तुम इस पर दावा नहीं कर सकते। दादा, हम क्यों इनका भाषण सुन रहे हैं? ईंट पर किसी का भी नाम लिखा हो, क्या फर्क पड़ता है? कागजात पर तो अंगूठा लग चुका है ना। सच दिखाई नहीं देता आपको? देखिए देखिए, मुझे देखने की जरूरत नहीं है, पर हां मेरे विचार से एक बार आप लोग जरूर देख लीजिए। के लिए बुलाया और आप आ गए। ये सब क्या है? असली कागजात कहां गए? ये सब इसकी करतूत है ना, इस मायावी की, इस ढोंगी की। आपने मुझे मारा? हाँ, लेकिन मारने में बहुत देर कर दी। और अब तुम लोगों में से किसी ने भी साई को कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं भूल जाऊंगी कि मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता भी है। और सच तो यह है कि तुम लोग इतने गिरे हुए हो, इस साई का नाम लेने के काबिल भी नहीं हो। और आज अगर तुम इस बदतमीजी पर उतर आए हो तो उसकी जिम्मेदार मैं हूं। उस दिन द्वारका माई में जब आपने निराली को समझाया था तो मैंने आपकी बातें सुनी थी, लेकिन समझ आ जाई है। तुम लोग ये कहना चाहते हो कि पंछियों की माँ उन्हें जो सिखाती है वो कोई और नहीं सिखा सकता। ठीक इसी तरह जब तुम्हारी माँ तुम्हें डांटती है तो वो भी तुम्हें कुछ सिखा रही होती है। सिखा रही होती है कि जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और सिखाने के बीच में अगर वो तुम्हें डांट दे या तुम्हारे घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दे तो वो भी केवल इसलिए ताकि तुम्हें याद रहे कि तुमने क्या गलत किया था।
थार प्यार तो पड़ोसी भी दिखा सकते हैं, लेकिन माता पिता, माता पिता हमें गलत से सही की ओर ले जाते हैं। बचपन में जब तुम्हारे पिता जब तुम्हारी गलतियों के लिए तुम्हें डांटने की कोशिश करते थे तो मैं तुम लोगों को बचा लेती थी, तुम्हारी गलतियां छुपाया करती थी, तुम्हें वो सब करने दिया जो तुम करना चाहते थे, चाहे वो सही हो या गलत। अगर उस समय मैंने तुम्हें एक थप्पड़ मारा होता तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। तो कौन सा एहसान किया आपने? आप खुद को महान मत समझिए। हर माँ अपने संतान की रक्षा करती है, माँ का कर्तव्य है ये। और संतान, क्या संतान का कोई कर्तव्य नहीं, कोई जिम्मेदारी, कोई दायित्व, कोई फर्ज नहीं है? क्या यह संतान की जिम्मेदारी नहीं है कि अपने मां बाप का ख्याल रखे, उनकी सेवा करे, बूढ़े हो जाने पर उनका सहारा बने? तुम लोगों को पता भी है, जब तुमने माँ जी को घर से निकाल दिया, दर दर भटकने के लिए उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया था, तो उन्होंने किन किन कठिनाइयों का, किन किन मुश्किलों का सामना करा है, सोच भी नहीं सकते तुम। मुश्किलों का सामना हमें सब पता है, बहुत खुशी से रह रही थी वो सिटी में। द्वारका माई पहुंचने से पहले माँ जी ने बहुत दुख उठाए हैं, दर दर भटकी है वो। माँ जी तो कभी तुम्हें बताने से रही, और अगर बताएंगी भी तो तुम जैसे लोगों को विश्वास नहीं होगा। मैं तुम्हें उनकी मुश्किलों का एहसास कराता हूं। क्या आपके बेटों ने आपको घर से निकाल दिया? मुझे नहीं लगता उन्होंने कुछ गलत किया था। आंखों की रोशनी जाने के बाद मैं पूरी तरह उन पर बोझ बन चुकी थी। आप इतनी तकलीफ से गुजरी इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आई माफ कर दीजिए। आई
ये सब आपका है। साई सच कह रहे थे, इस घर की हर एक ईंट, हर एक सामान आपका है। यहां तक कि हम भी आपके हैं, चाहे तो आप हमें घर से निकाल दीजिए आई। हमें निकाल दीजिए। आई, हमको भी माफ कर दीजिए, हमने आपको इतना परेशान किया, इतनी तकलीफ पहुंचाई, हमें माफ कर दीजिए आई, हमसे गलती हो गई। माफ कर दो आई, माफ कर दो आई, माफ कर दो, हमें माफ कर दो, आई माफ कर दो। माँ जी, इस बार इनकी आंखों में जो ग्लानी, जो पछतावा दिख रहा है वो सच्चा है, आप इन्हें माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर, माफ कर दो आइए, मैं माफ कर दो। माफ किया मैंने तुम दोनों को। मैंने माफ किया तुम सबको। साईं, अब मैं समझी जरी का काम करने से क्यों मना किया था आपने। आप मुझे मेरे बेटों का असली चेहरा दिखाना चाहते थे, उन्हें उनकी गलतियों का एहसास कराना चाहते थे, उन्हें सुधारना चाहते थे। मैं आपका शुक्रिया कैसे करूं साईं, क्योंकि आपके आशीर्वादों को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। साईं, मैंने कुछ नहीं किया माँ जी, सब उस मालिक का कर्म है। मैं तो केवल जरिया हूं। सोचो सारा, जब तुम इस संसार में पैदा हुए तो क्या अपना काम खुद करने लायक थे तुम? तुम्हें खाना खिलाने से लेकर तुम्हारी साफ सफाई तक सारा काम तुम्हारी आई ने ही किया है। ना तुम कमाते थे, ना अपना ख्याल रखते थे, लेकिन तुम्हारी आई ने तो कभी तुम्हें घर से नहीं निकाला। नहीं, लेकिन तुम लोग, तुमने अपनी आई को घर से बाहर निकाल दिया और अब दोबारा भी यही करना चाहते हो। क्यों? क्योंकि अब वो कमा नहीं सकती। ये जीवन एक चक्र है, पैदा होने के बाद समय बीतने के साथ साथ हम बड़े होते जाते हैं, आत्मनिर्भर होते जाते हैं हम, और हमारे माता पिता, हमारे पालनहार, वो उसी समय के साथ साथ बूढ़े होते हैं, निर्भर हो जाते हैं हम पर। और एक वक्त ऐसा आता है जब हमारे माँ बाप नन्हे बच्चों के समान हो जाते हैं, और तब बच्चों का फर्ज होता है कि अपने माँ बाप का ख्याल रखें, उनकी सेवा करें, उनकी जरूरतों का ध्यान रखें। दुनिया में माँ ही एक ऐसा रिश्ता है जो हमें बिना किसी शर्त, बिना किसी उम्मीद के प्यार करना सिखाता है, जैसे तुम्हारी आई। तुम लोगों ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया, दर दर भटकने के लिए, लेकिन फिर भी तुम्हारी मां ने कभी तुम्हारी बुराई नहीं की, तुम्हारी बदसलूकी की चर्चा नहीं की किसी से, कभी तुम्हें दोषी नहीं ठहराया। पुत्र को पुत्र हो सकता है, लेकिन माता, माता कभी को माता नहीं हो सकती। ऐसी मां के साथ बुरा करने वाले को तो भगवान भी माफ नहीं करता है, पर हां, मां माफ करती है, और इसीलिए मां का दर्जा भगवान से भी बड़ा है। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है,
समय है गलतियों को सुधारने का। मां का सम्मान करो, उनसे प्यार करो, क्योंकि जो अपनी मां की इज्जत नहीं कर सकता वो किसी रिश्ते की इज्जत नहीं कर सकता। हम वचन देते हैं साईं, हम भाई को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। मुझे उम्मीद है तुम लोग माँ जी का अच्छे से ध्यान रखोगे। इससे पहले कि कुछ और हो, मैं उसे ठीक कर देता हूं जो टूट गया है। कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ घर अब फिर से जुड़ गया है, इसे हमेशा ऐसे ही कायम रखना। माँ जी, जो वचन मैंने आपसे लिया था उससे मुक्त करता हूं आपको। अब आप जरी का काम फिर से कर सकती हैं, पर हां, केवल अपनी मर्जी से, किसी और की मर्जी से नहीं। राम जी भला करे।